नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ में पाइपलाइन की चाबी का गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 9 झंडा चौक से बस स्टैंड जाने वाले मुख्य मार्ग पर मेन रोड पर ही पाइपलाइन की चाबी का गड्ढा बना हुआ है। उस पर लगभग 2-3 माह से जाली नहीं लगाई गई है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं और कुछ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इस ओर ना तो नगर परिषद का कोई ध्यान है और ना ही नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों का। राहतगढ़ निवासी रिजवान कुरैशी इस बारे में बताते हैं कि लगभग 2-3 माह हो गए हैं ये गड्ढा ऐसे ही खुला पड़ा है और अब तक कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं और इस पर नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। यहाँ की समस्या है, ये मरकज मस्जिद से डायरेक्ट बस स्टैंड रास्ता गया है और इस पर पाइपलाइन की चाबी है, जो इस पर बिल्कुल नगर पंचायत ध्यान नहीं दे रही। गड्ढा खुला पड़ा हुआ है, यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं और आते समय होती रहती हैं और इस पर बड़ी समस्या होने का खतरा है, दुर्घटना हो सकती है बड़ी। इस पर नगर पंचायत की बहुत बड़ी ढील है, कम से कम तकरीबन 3 महीने से गड्ढा खुला पड़ा है और नगर परिषद से जल्दी इस जाली डाली जाए। इस कैनर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को जल्द से जल्द पूरी करी जाए। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।